नमस्कार, कुक विद भावना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने फ्रूट पॉप्सिकल की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बच्चों को बहुत पसंद आती है। और आज हम जो फ्रूट पॉप्सिकल बनाएंगे वो बिल्कुल ट्रैफिक लाइट वाले कलर्स यानी रेड, येलो और ग्रीन कलर में बनाएंगे। और ये बिल्कुल हम फ्रेश फ्रूट से बनाएंगे, इसमें किसी भी प्रकार के हम केमिकल का यूज़ नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, फ्रूट पॉप्सिकल बनाने के लिए या ट्रैफिक लाइट पॉप्सिकल बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हम देख लेते हैं। यहाँ मैंने दो कीवी काट के ले लिए हैं और एक मीडियम साइज़ का आम यहाँ मैंने काट काट के और ले लिया है। और यहाँ मैंने 1.5 कप के करीब वाटरमेलन यानी कि तरबूज काट करके ले लिया है। इसके बीज मैंने अच्छे तरीके से निकाल लिए हैं, बीज नहीं रहने चाहिए इसमें। शहद ले लिया है मैंने और आधा नींबू का रस लेना है हमें इसमें, और 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने जलजीरा पाउडर लिया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाते हैं हम। सबसे पहले यहाँ हमें आम को पीस लेना है और यहाँ पे हमें कीवी को भी पीस लेना है और वाटरमेलन भी पीस करके तैयार करना है। फ्रेंड्स, हमने तीनों फ्रूट्स का प्यूरे बना के तैयार कर लिया है। ये वाटरमेलन है, मैंगो है और यहाँ कीवी है। इन सबको हमने पीस के तैयार कर लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है और आपको गूदे के साथ ही इसे यूज़ करना है, छानना नहीं है। आप चाहें तो इनके कलर्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसमें और कलर यूज़ कर सकते हैं। मैं इन दोनों में यूज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं कीवी में थोड़ा सा ग्रीन कलर मिला रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर हम ऐड करेंगे। यहाँ ये मैंने ग्रीन जेल कलर यूज़ कर रही हूँ इसमें, जो आपको बहुत ही कम मात्रा में बिल्कुल 1 से 2 ड्रॉप ही डालना है, ताकि इसका कलर जो है वो बहुत ही अच्छा निकल के आएगा और हमारी जो ट्रैफिक लाइट है बहुत ही सुंदर दिखेगी इससे। ये देखिए कितना सुंदर कलर हो गया है ये। फ्रेंड्स, हमारे तीनों फल बिल्कुल रेडी हैं फ्रूट्स के। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि तरबूज का जो लाल हिस्सा है वही आपको यूज़ करना है, ताकि उससे हमारा जो रेड कलर है वो बहुत ही अच्छा आएगा। और ग्रीन कलर में हमने थोड़ा सा ग्रीन कलर डाला है, वो ऑप्शनल है। और येलो कलर में हमें यानी मैंगो में हमें कुछ भी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे ही इसका कलर बहुत ही सुंदर है। तो नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं हम। हमारा जो मैंगो है वो वैसे ही खट्टा मीठा है और कीवी भी खट्टा मीठा होता है टेस्ट में, लेकिन वाटरमेलन जो है वो मीठा होता है टेस्ट में। तो इसीलिए अब इसमें खट्टा मीठा टेस्ट लाने के लिए हम थोड़ा सा इसमें नींबू डालेंगे और जलजीरा पाउडर डालेंगे। तो हम हमारे वाटरमेलन के पल्प में नींबू का रस डाल देते हैं, आधा नींबू हम डाल देते हैं इसमें, ताकि ये खट्टा मीठा टेस्ट आ जाएगा इसमें। और जो हमने जलजीरा लिया था वो भी अब इसमें हम मिक्स कर देते हैं। और 1/2 टीस्पून इसमें हम हनी डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लें इसे। वन टीस्पून हम कीवी में डाल देंगे हनी, ताकि थोड़ा सा मीठापन आ जाए उसमें भी। आप चाहें तो चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 टीस्पून ही हम इसमें मैंगो पल्प में डाल देंगे। फ्रेंड्स, हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब हमें एक इस तरह का पॉप्सिकल स्टैंड चाहिए जिसमें हम इसे डालेंगे। और यदि आपके पास ऐसा नहीं हो तो आप इस तरह का कोई भी पेपर ग्लास जो आता है वो यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ सबसे पहले हमें जो हमारा वाटरमेलन का मिक्सचर है वो इसमें डालना है। 2 से 3 चम्मच आप वाटरमेलन के मिक्सचर को डालिए। फ्रेंड्स, हमने वाटरमेलन मिक्सचर को इसमें डाल दिया है और अभी इसे 1 घंटे के लिए हमें फ्रीज़र में रखना है जमने के लिए, ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए। तो उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलेंगे। फ्रेंड्स, 1 घंटा हो चुका है और
हमारा जो वाटरमेलन वाला मिक्सचर है वो सेमी सेट हो चुका है, तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला मिक्सचर है वो अब हम इसमें डालेंगे। हमारा जो मैंगो मिक्सचर है वो हम इसमें दो दो चम्मच डाल देंगे। बिल्कुल धीरे से आपको इसमें डालना है ये, ताकि ये मिक्स ना हो। फ्रेंड्स, हमने हमारा मैंगो मिक्सचर इसमें डाल दिया है और अब हम इसमें हमारा जो कीवी का मिक्सचर है वो भी डाल देंगे। क्योंकि मैंगो का मिक्सचर काफ़ी गाढ़ा है तो इसीलिए हम इसे आराम से डाल सकते हैं। ये हमारा ट्रैफिक लाइट का तीसरा लेयर यानी तीसरा कलर हमने डाल दिया है इसमें। फ्रेंड्स, हमने बिल्कुल तैयार कर लिया है हमारे पॉप्सिकल को। अब इसे ओवरनाइट या फिर 8 से 10 घंटे के लिए हम फ्रीज़र में रखेंगे और उसके बाद देखेंगे हमारे पॉप्सिकल बिल्कुल तैयार होंगे। तो सबसे पहले हम इसको कवर कर देते हैं। आप इस तरह से कवर लगा देंगे हम, और इनमें हम दो आइसक्रीम स्टिक डाल देंगे इस तरीके से। और अब हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे 8 से 10 घंटे के लिए या ओवरनाइट। फ्रेंड्स, ओवरनाइट हमने हमारी आइसक्रीम को जमाने के लिए रखा था, आइस कैंडी को, तो ये बिल्कुल अब सेट हो चुकी हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारी जो आइस कैंडी है यानी हमारी पॉप्सिकल कैसी बनी है। तो हम शुरू करते हैं। उसके लिए ये जो हमारा पॉप्सिकल स्टैंड है इसे हमें कुछ सेकंड्स के लिए पानी से भरे हुए बर्तन में रखना पड़ेगा, डुबोना पड़ेगा, ताकि ये इजीली निकल के आए। ये जब तक पानी में डूबता है तब तक हम जो हमारा पेपर कप में हमने आइसक्रीम जमाया था ये हम निकाल लेते हैं। तो पेपर कप को आप कैंची से काट दीजिए और उसके बाद इस तरीके से ये बहुत ही इजीली बाहर निकल आएगा। ये देखिए कितनी सुंदर हमारी आइस कैंडी बनी है। और इसी तरीके से हम ये दूसरा वाला जो हमारा पेपर कप है इसमें से हम कैंडी निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत ही सुंदर हमारी ट्रैफिक लाइट बन के आई है। पॉप्सिकल हमारी बिल्कुल बहुत ही सुंदर तैयार हुई है। अब इसी तरह से हम जो हमारा पॉप्सिकल स्टैंड है उसमें से भी हम निकाल लेंगे। अब हमारे पॉप्सिकल निकाल लेते हैं हम। ओ वाओ, बहुत ही सुंदर हमारी पॉप्सिकल बन के आई है, बिल्कुल ट्रैफिक लाइट की तरह है। आप देख सकते हैं, देखिए आप इसे, हमारे जो तीनों कलर्स हैं वो कितने सुंदर आए हैं फ्रूट्स के, और बिल्कुल प्योर है ये, इसमें कोई केमिकल नहीं है। हमने किसी भी प्रकार के केमिकल का यूज़ नहीं किया है, शुगर का यूज़ नहीं किया है, बिल्कुल फ्रूट से बनी हुई हमारी ये पॉप्सिकल तैयार है। बिल्कुल आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। तो हम सारी पॉप्सिकल निकाल लेते हैं अभी। फ्रेंड्स, हमारे फ्रूट पॉप्सिकल बन के बिल्कुल तैयार हैं, ट्रैफिक लाइट हमारी बिल्कुल तैयार है। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी है ये। तो यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।